हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 02, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बच्चों, लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स के जो हैं क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब आइए एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चों, जिसे आप लोगों को पता है कि हमारे थ्री सीरीज एक साथ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्लास 9 को होल्ड करके रखा है, मतलब उसको करना है। ठीक है, अगर एक लेक्चर मैंने अपडेट कर दिया है, चाहे वो 6 क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th को या इंजीनियरिंग का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा सीरीज कंप्लीट होता है तो हम सीरीज लेके आएंगे 6 और 7 और 9 का बचा है। ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद में आईटी जेई मेंस का हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, लेकिन उसका हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाले हैं। तो कोई भी, अगर मैंने एक लेक्चर अपडेट कर दिया है तो वो कंप्लीट होगा, ऐसा कभी नहीं सोचे कि वो कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा छोड़ा जाएगा, नहीं। लेकिन ये सीरीज जो चल रहा है तो ये काफी पुराना भी था, तो जो बीच में हम किसी वजह से, किसी कारण की वजह से लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है कि वो टाइम हमारा खराब हुआ है। ठीक है, लेकिन अगेन आपने देखा कि सीरीज को हमने वहीं से स्टार्ट किया जहां पे हमने ड्रॉप किया था इसको। ठीक है, तो ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में फिजिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अगर टाइम बचा तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो न्यू सेशन से हम जरूर कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये कोशिश रहेगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट के आसपास में या 2.5 यूनिट के आसपास बचे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जिस जिस चीज को हमने टच किया उस चीज को कंप्लीट करना है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि यार ज्यादा से ज्यादा जो अपने दोस्तों को शेयर करो और सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट भी करो अगर कोई टॉपिक हमें स्टार्ट करना है तो बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं फिजिक्स को। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। क्या करना है कि अपने पास में थ्री पार्ट्स गिवेन है क्वेश्चन 1 में, कह रहा है कि डिस्टेंस आप फाइंड आउट करके बताइए। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लिया हमने कि ए पॉइंट है ये और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 1। ठीक है, हमने इसको कह दिया x1 और इसको हमने कह दिया x2 नहीं y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आइए जरा सा हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या ये होता है या नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को क्या किया जाए, इसकी वैल्यू को रख दिया जाए। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 देखा जाए तो 4 और x1 देखा जाए तो माइनस कितना जाएगा, -2। माइनस होता है इसलिए -2 होगा। ठीक है, प्लस अगर y2 देखा जाए तो 1 और y1 देखा जाए तो 3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि पहले इसको अपने को सॉल्व करना है। क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर में जो है सबसे पहले हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 मिलेगा, स्क्वायर है लगा दो। ठीक है, यहां सब्ट्रैक्ट करोगे -2 मिलेगा, यहां ब्रैकेट ले लेता हूं। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, -2 का स्क्वायर ऑल्सो 4 होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 8। जब ऐड करेंगे 4 + 4 = 8, अगर 8 का हम रूट निकालने जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2√2। ठीक है, यूनिट्स, अगर यूनिट्स दिया है तो यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया। ठीक है, चेक करते हैं कि एनसीईआरटी यूनिट लिखता है क्या। जी बिल्कुल लिखता है यूनिट्स। ठीक है,
सेकेंड पार्ट में बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों, जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या करा जरा सा देखिएगा। सेकेंड पार्ट का कोऑर्डिनेट गिवन है -5.7 और जो अनदर पॉइंट है वो -1.3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा एक लाइन को आपको क्या करना है, खींच देना है। ठीक है, इसको हमने इस बार P कह दिया और Q कह दिया। ठीक है, तो P है अपने पास -5.7 और Q है अपने पास में -1.3 है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अपने को डिस्टेंस निकालना करना है। क्या डिस्टेंस निकालना, तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू को रखते हैं x2 क्या है तो मेंशन कर देते हैं। ये रहा अपना x1 और ये रहा अपना y1, ये रहा अपने पास में x2 और ये रहा अपने पास में y2। ठीक है, वैल्यू रखा जाए तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 16 होता है, -4 का स्क्वायर ऑल्सो 16 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 का अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 4√2 होता है यूनिट्स के साथ में। ठीक है, आंसर चेक करते चलेंगे, आंसर जो है ना वो चेक करते चलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अपना हो गया है, सेकंड अपना हो गया है, अगर थर्ड पार्ट देखें तो क्या है, ए कॉमा बी है, यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, और अनदर जो पॉइंट है वो अपना है क्या, -A, -B। ठीक है, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, तो हम क्या करें, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं R और इसके लिए ले लेते हैं हम S। हम चाह रहे हैं कि तीनों का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो R आपके पास में है A, B और S है आपके पास में -E, -B। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हमने कह दिया, x1 कह दिया, इसको इसको हमने y1 बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, x2 बोल दिया और इसको हमने y2 बोल दिया। ठीक है, तो x2 क्या -A और -A होगा ये। ठीक है, होली स्क्वायर -B का होली स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो -2A का होल स्क्वायर और प्लस -2B का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आर एस इज इक्वल टू -2A का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई यानी सॉरी स्क्वायर करेंगे तो ये भी मिल जाएगा हमें 4B स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 4 कॉमन है तो A² + B² ठीक है, और 4 का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√A² + B² यूनिट्स। ठीक है, आंसर मैच करते चलेंगे, अगर कहीं पे एरर आता है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप इसे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.0 एंड 36.50। अपने को डिस्टेंस निकालना है 0.0 और 36.15 का। ठीक, आगे हम कह रहा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्न्स ए एंड बी। ठीक है, दो टर्न है, उन टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टर्न क्या है,
अपने को कह रहा कि डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जरा से बच्चों गौर करो, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा नॉर्मल पढ़ा है, अभी समझा दूंगा। ठीक है, देखो 0.0 का मतलब है ओरिजिन, है ना। 0.0 का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट है, ये सी भी ये दिया हुआ है हमारे पास में, कोई बात नहीं, फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, 0.0 तो दिया हुआ है तो हमें पता है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो 36 है, 36 क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब कि वाई से डिस्टेंस कितना है, 36। ठीक है, फ्रॉम वाई से, ठीक है, वाई से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है कितना, 36 है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से क्या करूं, ड्रॉप कर दूं, ठीक है, क्या करूं, ड्रॉप, तो ये जो डिस्टेंस अपने को दिया है वो 36 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, किलोमीटर। ठीक है, और अगर देखा जाए ये 15, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस से वाई का। ठीक है, तो ये भी किलोमीटर में है। टोन है क्या, तो टोन है अपने पास में ए और बी। ठीक है, कह रहा है कि 0.0 और 36.15 का आप जो है डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो दो टोन के बीच का, ए और बी, जो आपके पास में सेक्शन डिस्कस किया गया 7.2 में। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास में डायग्राम आता है। ठीक, और अगर याद करेंगे बच्चों, अगर याद करेंगे, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अगर ओरिजिन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए बी अपने को निकालना है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन टू कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन टू। अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने ये मान लिया ओ और ये मान लिया हमने यहाँ से पी, तो ओ पी इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर आप जीरो मेंशन भी करोगे ना तो फाइनली आपको यही आएगा। तो आप डायरेक्ट, अगर ओरिजिन से कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर ओरिजिन से हमें किसी पी पॉइंट पे, सी पॉइंट में, बी पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे, अगर अपने को डिस्टेंस निकालना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम सिमिलर यहां पे यही करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, 36 का स्क्वायर कर देंगे, और वाई स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसकी स्क्वायर जो है निकाल लेते हैं। 36 का अगर हम देखा जाए तो 36 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 1296, और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। ठीक है, किलोमीटर में आना है, किलोमीटर में आना है डिस्टेंस, दो टोन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यह है टोन ए और यह है टोन बी। ठीक है, याद रखना दो शहरों के बीच का अपना जो है वो दूरी निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं 225 को, तो फाइनली ये मिल जाता है 1521 मिल जाता है। और अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, ये 39 किलोमीटर। ठीक है, तो एक शहर से दो शहर की बीच का जो दूरी है वो कितना है, 39 किलोमीटर। कितना है, 39 किलोमीटर। अगर बच्चों सुनो, अगर आप यहां से लेके चलते x2-x1 करके या x1-x2 करके चलते, तो भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो अभी आंसर यही आता। हमने भूल गया था, ये जो ड्रोना सीरीज है उसमें हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला था उसको डिस्कस नहीं किए थे। हाँ, अल्फा सीरीज में हमने इसका कंसेप्ट जिक्र किया है। ठीक है, वहां पे हमने इसको डील किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन टू का सोल्यूशन करना था। पहले कॉपी करेंगे हम, क्वेश्चन थ्री को देखेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन थ्री को डील करेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, बताओ मिटा दूं, ऐसे था इसमें कुछ नहीं यार, इसमें था कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन थ्री के ऊपर में। ठीक है, क्वेश्चन थ्री के ऊपर में क्वेश्चन थ्री में हमसे कह रहा है
क्वेश्चन थ्री में कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5, 2.3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, अपने को ये चेक करना है, अपने को ये डिटरमाइन करना है कि जो हमारे पास में थ्री पॉइंट दिया गया है क्या ये कोलिनियर है, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का कंसेप्ट हमने क्या जाना, कोलिनियर का कंसेप्ट हमने ये जाना कि कोलिनियर हम तब डिफाइन करते हैं अगर तीनों पॉइंट हमारा किसी, तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई करे, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा तो वो कोलिनियर होगा, और अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा तो वो नॉन कोलिनियर होगा। तो अब चेक करते हैं कि अपने पास में जो ये पॉइंट दिया गया है, अपने पास ये जो पॉइंट दिया गया क्या कोलिनियर फॉर्म कर रहा है, क्या क्या कोलिनियर फॉर्म कर रहा है क्या, ये अपने को चेक करना है। अगर ये सेटिस्फैक्शन करता है, सेटिस्फैक्शन नहीं सेटिस्फाइड कहते हैं, है ना, सेटिस्फैक्शन क्या हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, अगर ये तीनों मतलब कि कोलिनियर कंडीशन को क्या करता, फुलफिल करता, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर के बराबर हो जाता तो कोलिनियर होगा, और अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो नॉन कोलिनियर होगा। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट को मेंशन करो तो 1.5 हो गया, और अगर आगे में देखा जाए क्यू का तो 2.3 हो गया। ठीक है, और अगर आर का देखा जाए -2, -11 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन थ्री का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिखते हैं और निकालते हैं पी क्यू। तो PQ is equal to square root of, PQ is equal to square root of, क्या करें, mention कर दें, mention कर दें x1 और ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये आपका है y2। ठीक है, क्या है, y2 है। ठीक, तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, बताओ ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, याद हो गया होगा, रट गया होगा। ठीक है, अब आगे में चलें। अब इसकी वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 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 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने यहां पे इसकी क्या कर दिया, वैल्यू को रख दिया। अब क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करो, उसके बाद में उसकी स्क्वायरिंग को सॉल्व करो, फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व करो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबट्रैक्ट करेंगे 2 में 1 तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, प्लस लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर, शो कर दिया, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्क्वायरिंग को शो नहीं किया। ठीक है, इसको भी सबट्रैक्ट कर दिया। तो 1 का स्क्वायर आप जानते हो कि 1 होता है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिल जाएगा। ये आया क्या है, ये आपके पास में आया हुआ है PQ। ठीक है, जिस तरीके से हमने PQ को फाइंड आउट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें QR को फाइंड आउट करना है। तो QR के लिए क्या किया जाए, चलो कोई बात नहीं, हमने इसको X1 कह दिया, इसको हमने Y1 कह दिया। ठीक है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा था, जैसा है वैसा ही मैंने उसको रखा है। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं QR। ठीक है, QR निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को रख रहे हैं तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो होल स्क्वायर प्लस, आगे में चलेंगे तो 3 3 3 3 3 3 और ये माइनस 11 है। अच्छा, ये सही दिख नहीं रहा यार, ऐसा लग रहा मैं खुद कंफ्यूज हो जाता, मिस्टेक मार जाता अभी। ठीक है, तो 3 - - +11 आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, जरा सर इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो 2 2 कितना होगा, 4 4 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, आगे में चलते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 16 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर इसको आप ऐड करने के लिए जाओगे तो 1 1 1 1 2 मिल जाएगा। चेक कर लेते, 6 6 12 9 1 10 और 1 11। ठीक है तो क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर आ गया आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 112। और अब निकालते हैं हम पी आर सिमिलर। ठीक है,
पी आर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट को क्या करें क्या करें, इसको मैंने इस बार चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने वाई टू कह देता हूँ और इसको मैं सॉरी एक्स टू कह देता हूँ, इसको वाई टू कह देता हूँ, ये एक्स वन और वाई वन वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो वन और माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 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 इसको ऐड करोगे, तो कितना मिल जाएगा, थ्री, यानी कि थ्री का स्क्वायर प्लस फिर इसको ऐड करोगे तो ये सिक्सटीन का स्क्वायर आ जाएगा। थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन होता है, सिक्सटीन का 256, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 265, कितना 265, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर की कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये अपने को चेक करना है। तो 112 का रूट अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो कितना मिल जाएगा भाई हमें, यहां से कितना मिल जाएगा ये बताइए, हमारे हिसाब से होगा नहीं यार, निकाल लेते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। कोलिनियर तो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं कोलिनियर फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं करेगा, आई थिंक नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बराबर ही नहीं होगा। अगर 265 का निकालने जाएंगे और ये है आपके पास में 112 और 5, नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह देते हैं, ठीक है, लिखते हैं देयरफॉर द गिवन पॉइंट, इज नॉट फॉर्म, ठीक है, कोलिनियर चक्कर में पड़े हुए, जल्दी जल्दी डिटा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, पहले से कॉपी करेंगे, दो क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। अच्छा ये तीसरा का था, यानी थर्ड था, मैंने लिखा नहीं है ना, ये थर्ड का था सॉल्यूशन, ठीक है, सारा गड़बड़ हो जाएगा, मिटा दे। क्वेश्चन फोर में अपन से ये कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या चेक करना है कि ये जो हमारे पास में थ्री पॉइंट दिया गया है, क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, ये अपने को चेक करना है। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिनके दो साइड आपस में बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर किन्हीं इनके दो साइड आपस में बराबर हो जाए, बहुत गंदा फिगर बन रहा है यार, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ए ले लिया हमने, यहां से बी ले लिया, इसको हमने सी कह दिया। ए का पॉइंट हमने मान लिया 5, -2 है और बी का पॉइंट है 6, 4 और सी का पॉइंट है 7, -2, ठीक है। अगर दो साइड इसके बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर इनके साइड बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना रहा। कोई बात नहीं, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले क्या किया जाए, तो हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं, ये रहा हमारे लिए एक्स वन और ये रहा हमारे लिए वाई वन और ये रहा हमारे लिए एक्स टू और ये रहा हमारे लिए वाई टू। मैं इसको क्या लिख रहा था, एक्स टू लिख रहा था, ठीक है, एक्स टू लिख रहा था, ठीक है। तो क्या निकालना है, ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, मेंशन कर दिया। अब इसकी वैल्यू को रख दिया जाए, वैल्यू को क्या किया जाए, रखा जाए, ठीक है। तो 6 माइनस 5
का होल स्क्वायर प्लस 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 फोर माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें वन का स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा सिक्स का स्क्वायर। और आपको पता है कि वन का स्क्वायर वन होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है। अगर इसको ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। यहां से क्या पता चल गया, ए बी पता चल गया। क्या पता चल गया है, ए बी पता चल गया है। क्या पता चल गया, ए बी पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं ए सी, उसके बाद में फिर निकालेंगे हम बी सी। तो AC सिमिलर हम निकालते हैं, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला दिया गया है, जरूरी नहीं है कि बार बार लिखना है। तो X2 और ये रहा आपके पास में Y2, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस टू और माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर। आगे में चलते हैं, तो AC इज इक्वल टू अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू का स्क्वायर, देखो सात में से पांच चला जाएगा, दो बचेगा, और ये दो, ये तो भाई प्लस टू और माइनस टू जीरो हो गया, तो इसको जीरो बना दो, कोई बात है तो बताओ। टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और इसको बाहर निकालोगे कितना जाएगा, टू आ जाएगा, यानी कि AC कितना आ गया, टू। AC कितना आ गया, 2। अब अपने को निकालना है BC, क्या निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। तो BC is equal to square root of इन दोनों में से एक किसी को चेंज कर दूं, X1 Y1 उसको हमने वैसे ही रहने दिया। तो BC is equal to X2 कितना है 7 और X1 कितना है 6, ठीक है। तो 7 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ठीक है, माइनस टू और माइनस फोर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अरे भाई आएगा क्या, माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन का स्क्वायर, सात में से छह चला गया, एक बचा, प्लस माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा सा, सॉल्व करेंगे तो वन का स्क्वायर वन मिल जाएगा, सिक्स का स्क्वायर 36, एड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 बी सी आ गया। आप जरा से देखो कि क्या आपके दो साइड बराबर आ रहे हैं, क्या आपके दो साइड बराबर मिल रहे हैं, क्या आपको दो साइड इक्वल ऑप्टेंड हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चेक कर दिया जाए, क्या चेक कर लिया जाए। देखो कोई अगर गलती होगा ना तो सुधारा जा सकता है, एक बार अगर वीडियो अपलोड हो गया तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होता, बेहतर है कि चेक कर लो, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, यस है। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं, क्वेश्चन 5, ठीक है, पहले इसको कॉपी कर, मिटा दिया जाए। बोर्ड जो था ना आवाज कर रहा था, वो थोड़ा सा इसका नट बोल्ट जो था ना वो ढीला हो गया था, क्योंकि ये धीरे धीरे पीला हो रहा था, इसीलिए ये ढीला हो रहा था, फिर ये गीला हो रहा था, फिर ये नीला हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको रीला बना देते हैं, तो हमने थोड़ा टाइट कर दिया, इसलिए आवाज नहीं आ रहा, ठीक है, अब ठीक हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा लिखना पड़ता भाई इसमें, लिखते रहो, ठीक, चल। क्वेश्चन फाइव तो बड़ा लंबा है, मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन फाइव बहुत लॉन्ग है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलिए पढ़ो। कह रहा, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। कह रहा है कि एक क्लासरूम में चार दोस्त
ए बी सी डी के रो में बैठा हुआ है, रो नहीं कहे यार, के फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। चार पॉइंट है, चार दोस्त हैं जो चार पॉइंट है ए बी सी डी, वो बैठे हुए हैं। आगे में देखते हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, चंपा और चमेली, चमेली है ना, हाँ चमेली है, मुझे लेली नजर आया, ठीक है। चंपा और चमेली टहलते हुए क्लास के अंदर में जाती है और वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है, कुछ मिनट सेकेंड है, कुछ मिनट। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या कहती है चंपा, कहती है चंपा पूछती है चमेली से कि ये मत सोचो कि ये जो चारों बैठे हुए हैं ए बी सी डी ये स्क्वायर है, ठीक है, सोचना भी मत कि ये स्क्वायर है। अच्छा देखते हैं आगे में क्या, चमेली डिसएग्री, तो चमेली जो है वो सहमति नहीं होती है, सहमत नहीं होती है, ठीक है, जो कहती है कौन, चंपा, ठीक है, चमेली डिसएग्री हो जाती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो और बताओ कि चंपा से ही है या चमेली से ही है या बेली से ही है या लेली से ही है। कोई बात नहीं, पहले तो अपना हक बनता है कि डायग्राम बनाया जाए, ये रहा बी और ये रहा आपका डी पॉइंट और बीचों बीच में रहा सी पॉइंट और यहां पे मैंने बना दिया ए पॉइंट, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ये आ गया, सही से बनना भाई, सही से बनना, गलत मत होना, ये ठीक है, थोड़ा सा कुछ 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 भाग रहा है, चलो यार मान लेना, ठीक है मान लेना, और स्क्वायर बताने के लिए डायग्राम जरूरी है, और ये ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा बड़ा बना हुआ, ठीक है फिगर देख लेना इसमें जाए। अगर ए पॉइंट की हम बात करें, ए पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस है 4.4.4.3, ना 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 गलत लिख दिया, 3.4 है एक्स एक्सिस, है ना 3 है और वाई एक्सिस 4 है। बी की तरफ चले तो एक्स एक्सिस 6.7 है, ठीक है, अगर हम सी की तरफ चले तो 9.4 है, 9.4 है, ठीक है, और डी की तरफ जाएंगे तो 6.1 है, 6.1 है। पहले मैं एक बार और मिलाऊंगा, ठीक है, ए की बात करें तो एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 4, बी की हम बात करेंगे तो बी में आ जाएगा हमारे पास में 6.7, और सी की अगर हम बात करें तो सी में आ जाएगा 9.4 और डी में अगर हम बात करें तो 6.1, ठीक है। आइए जरा सा देखें कि चंपा सही है या चमेली सही है, यह स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है, मान लेना ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा बना हुआ है, ठीक है कंसिडर कर लेना, बोर्ड है यार, क्योंकि मेजरमेंट स्केल से नहीं किया गया ना, तो क्या करें, सबसे पहले हम निकालते हैं AB, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, देखें कौन सही है, चंपा है या चमेली है या लेली है या बेली है या तो अधेली है, X1 Y1 और ये रहा X2, ये रहा Y2, ठीक रखा जाए वैल्यू को, है ना, तो आ जाएगा ये 6-3, 6-3 का होल स्क्वायर प्लस 7-4, 7-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं रख दिया, ठीक, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है 18, ए बी कितना आ गया 18 आ गया, ए बी कितना आ गया 18, ठीक है, हमने यहां से ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, और अगर यहीं से हम पीछे हट जाएं ए डी की बात कर लें तो और अच्छी बात है, ये रहा X2 और ये रहा Y2, ठीक है, आगे पीछे ओके चलो,
ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं एडी, एडी की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 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 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 3 चला जाएगा, तो 3 बचेगा 3 का स्क्वायर, और -4 में से 1 जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर ऑल्सो 9, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 18। ये आ गया एडी, इसको मत बोलना बीडी, में हो जाएगा आपका सीडी जो अब चलता नहीं है। चलो ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, ये लगेगा खराब, देखना हम कहां से निकाल लें, यहां से बराबर करते हैं ना। तो क्या क्या निकाल लिया, एबी और एडी निकाल लिया, ठीक। अब हम चलते हैं बीसी और सीडी एक साथ चलते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं बीसी, ठीक है, बीसी तो बीसी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहीं से निकाल लें, चलो 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 यहीं से, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, इतना मिस्टेक होगा भाई, x1 y1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबट्रैक्ट करो जरा सा यार, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। जरा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर ऑल्सो 9, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18। ये आ गया यहाँ से बी सी, ठीक है, क्या आ गया, बी सी, ठीक, बी सी आ गया, ठीक। तो बी सी तो निकाल लिए, अब आगे में चलते हैं, हम बात करते हैं सी डी का, ठीक, क्या बात करते हैं सी डी का। तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 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 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा सा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 9 में से 6 चला जाएगा, यानी कि -3, और -4 में 1 चला जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब स्क्वायरिंग करेंगे -3 का तो +9, -3 का +9, ऐड करो जरा सा, ऐड करोगे तो 18, क्या गया, सी डी अब नहीं चलता, ठीक है, अभी भी चलता ऐसा नहीं। तो क्या हम यहीं से स्क्वायर को जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्या हम यहीं से इसको कह देंगे कि ये स्क्वायर है, नहीं, अपने को डायगनल निकालना पड़ेगा, बगैर डायगनल निकाले हम इसको स्क्वायर कह देंगे तो सारे क्वेश्चन जो हमने इतना मेहनत करके ए बी ए डी बी सी सी डी निकाला वो पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, डायगनल निकालते हैं, ए सी, ए सी इज इक्वल टू, चलो x1 इसको बना दे क्या, x2 बना दिया, इसको y2 बना दिया, ठीक है। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 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 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबट्रैक्ट करो जरा सा यार, सबट्रैक्ट करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। और आगे में चलते हैं और क्या करते हैं, डील करते हैं इसको, डील, तो कितना मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, और 36 ये रूट में आ जाएगा, निकालोगे तो 6 आ जाएगा, एसी कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अपने को निकालना है बीडी, तो ही हम कुछ कहेंगे, तो ही हम कुछ कहेंगे, इसको क्या करें 1 बना दिया, इसको कहें 1 बना दिया, तो यहां से निकालने जाएंगे बीडी, बीडी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 को देखो, -6 प्लस 6 क्या मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, आ गया ये, आ गया। मैं चलो जरा सा, तो बीडी, बीडी को मत कहना पीडी, नहीं हो जाएगा सीडी, ठीक है, तो ये आ गया 36, तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू,
ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और दोनों डायगोनल आपस में बराबर है, तो बताओ क्या ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म ने कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो चमली, चमली कह रहा हूं चमेली, चमेली जो है वो ठीक है, चंपा गलत है। चमेली करेक्ट, चमेली इज करेक्ट। लिखते हैं पहले, देयर फोर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है हेंस हेंस चमेली, चमेली इज करेक्ट। आंसर मिलाऊंगा कहीं मैं गलत ना लिखाऊं, करेक्ट है ना? आंसर देख लें, चंपा एक करेक्ट है, चमेली डिसेंडिंग हुई थी, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा ना कि देखो मिस्टेक होगा तो पता ही चल जाएगा, ठीक है? चंपा, CHMPA, चंपा, ठीक है, चंपा जो है वो क्या है, करेक्ट, ठीक। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ से, ठीक है? चमेली को थोड़ा मैंने चम कर दिया इसीलिए, जबकि चंपा लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने चमेली लिख दिया, क्योंकि लेली मुझे बहुत पसंद है इसलिए चमेली लिख दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है लेक्चर नंबर 02 को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से कवर करेंगे, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? और कहीं मिस्टेक हो ना तो उसको थोड़ा सा यार करेक्शन कर लेना, ठीक है? उसको करेक्शन कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय।